हाय दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम पढ़ते हैं एक छोटी सी कविता, कौवा की। कविता का नाम क्या है? कौवा। कौवा के बारे में पढ़ना है हमको। तो ये बच्चा है जो कौवे से बोल रहा है, तो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं क्या बोल रहा है बच्चा। हाँ भाई कौवे काँव काँव, वाह भाई कौवे काँव काँव। बच्चा कह रहा है हाँ भाई कौवे काँव काँव, वाह भाई कौवे काँव काँव। अरे यार कुछ और सुनाओ, काँव काँव कर कान न खाओ, पक्का राग दादरा ठुमरी लाइट म्यूजिक कुछ तो गाओ। हाँ भाई कौवे काँव काँव, वाह भाई कौवे काँव काँव। छोड़ो भी ये राग पुराना, कह सको अगर कुछ और कहो, सुबह सुबह का समय सुहाना, मुँह से सीता राम कहो। हाँ भाई कौवे सीताराम, वाह भाई कौवे सीताराम। मैं समझाए कौवा बोला, मेरा मिट्टू तोता बोला, अगर बोलता ऐसे कौवा, कौवा फिर क्यों होता कौवा। जा भाई कौवे कहीं जा, सुबह सुबह यो कान न खा। यानी कि एक बच्चा है वो कौवे से बोल रहा है कि हाँ भाई कौवे काँव काँव, वाह भाई कौवे काँव काँव। अरे यार कुछ और सुना, काम काम कर कान न खा। यानी कि तू ये काम काम के अलावा और तो कुछ सुना दे मुझको, पक्का राग सुना दे, दादरा ठुमरी सुना दे, लाइट म्यूजिक सुना दे, कुछ तो गा, लेकिन ये काम काम मत बोल। फिर कह रहा है कि छोड़ो भी ये राग पुराना, यानी कि पुराना राग है ये, तो कह सको तो और कुछ कहो, सुबह सुबह का समय है ये, मुँह से सीताराम ही कह दो। हाँ भाई कौवे सीताराम, वाह भाई कौवे सीताराम। जब लड़के ने सीताराम बोला तो जो मिट्ठू तोता है ये मिट्ठू तोता है ये सीताराम बोलता है। तो बच्चा कह रहा है कि मैंने समझा कि कौवा बोला, अगर मेरा मिट्ठू तोता बोला। यानी कि लड़के ने सोचा कि कौवा बोला, लेकिन ये तो मेरा मिट्ठू तोता बोल रहा है। अगर कौवा बोलता ऐसे तो कौवा फिर क्यों होता कौवा। यानी कि कौवा ही अगर सीताराम बोलने लग जाता तो ऐसे कौवा कैसे होता, कौवा फिर क्यों होता कौवा। जा भाई कौवे और कहीं जा, सुबह सुबह यो कान न खा। यानी कि अब तू जा भाई यहाँ से, सुबह सुबह ऐसे कान न खा, सीताराम अगर बोलना है तेरे को तो वो बोल दे। ये देख ये काम काम बोल रहा है। तो ये छोटी सी लेकिन प्यारी सी कविता है कौवा की, और एक लड़का जो कौवे के और उससे बोल रहा है कि तू काँव काँव मत बोल, तू कहीं चले जा, अब तू सुबह सुबह मेरे कान न खा। ओके बाय दोस्तों।